एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका। सो आज का वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वन, दिस इज अबाउट सनस्क्रीन। जी हां, आप तो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं सनस्क्रीन पे वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में मैं जो भी सनस्क्रीन दिखाऊंगी वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में नहीं दिखाया है, खासकर उस वीडियो में जिसमें मैंने ढेर सारे सनस्क्रीन का कंपैरिजन किया था। जो भी प्रीवियस सनस्क्रीन के वीडियो होंगे मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें प्रॉपर फुल्ली नॉलेज है कि कौन सा सनस्क्रीन पिक करना चाहिए। यहाँ पर मैं दोबारा सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, मैं इन शॉर्ट कोशिश करूँगी चीज़ों को करूँ, नहीं तो वीडियो हर बार लंबा हो जाता है और सेम चीज़ें मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो यहाँ मैं जो भी सनस्क्रीन दिखा रही हूँ वो लेटेस्ट लॉन्च है, ठीक है, फिलहाल ही लॉन्च हुए हैं और मैंने बीच में किसी न किसी वीडियो में इनके बारे में डिस्कस किया था, पर यहाँ पे हम प्रॉपरली इनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सा किस स्किन टाइप को यूज़ करना चाहिए, किसके इंग्रीडियंट बेस्ट हैं। एंड द बेस्ट थिंग कि ये सारे सनस्क्रीन ना अंडर 500 रुपीज़ के ही हैं, तो मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप इन्हें आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको सनस्क्रीन लेनी है तो आपको ध्यान देना है कि आपकी सनस्क्रीन में SPF प्रोटेक्शन एंड PF प्रोटेक्शन दोनों हो। SPF आपको UVB रेस से बचाता है, PA आपको UVA रेस से, और UVA रेस ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, इसी से आपको लाइक एजिंग, रिंकल्स, फाइन लाइन, पिगमेंटेशन सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये दोनों प्रोटेक्शन हाई होना चाहिए, आपको SPF 50 या उसके ऊपर लेना चाहिए, और PA लाइक एटलीस्ट 3+ हो, 3 या 4+ आप लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको यहाँ मिलनी चाहिए। तो इन दोनों फैक्टर को हमेशा ध्यान में रख के आप अपना सनस्क्रीन पिक करिए। स्टार्ट करने से पहले क्विक इंट्रो दे देती हूँ अबाउट सनस्क्रीन, ताकि आपको आइडिया मिल जाए, बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, शॉर्ट में बता रही हूँ। सनस्क्रीन आपके तीन टाइप के बेसिकली होते हैं, आपका फिजिकल, केमिकल एंड हाइब्रिड। फिजिकल सनस्क्रीन में आपके मेनली दो यूवी फिल्टर यूज होते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और जो आपका केमिकल सनस्क्रीन होता है उसमें जो भी आप केमिकल वाले जो यूवी फिल्टर्स होते हैं, आपका एवो, बेंजोन, टीनोसॉर, इस टाइप के आपके केमिकल वाले सनस्क्रीन होते हैं। और हाइब्रिड में क्या होता है, आपका केमिकल फिजिकल सनस्क्रीन के दोनों यूवी फिल्टर मिक्स्ड होते हैं, तो जो मिक्स्ड वाले होते हैं ना उनको हाइब्रिड सनस्क्रीन बोलते हैं। जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो आपकी स्किन के ऊपर ऊपर लेयर रहती है जो कि आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इनके साथ बस एक प्रॉब्लम है कि इनमें वाइट कास्ट का प्रॉब्लम होता है जो कि डार्क स्किन के लिए सूट नहीं करता है, अदरवाइज ये काफ़ी सूटेबल रहते हैं स्किन टाइप को, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई स्किन इश्यूज इनके साथ नहीं होगा, सॉर्ट ऑफ मिनरल सनस्क्रीन आप इनको कह सकते हैं। जो केमिकल सनस्क्रीन होता है वो आपके एक्चुअली स्किन में एब्जॉर्ब होता है और आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समवॉट अच्छे अच्छे इंग्रीडियंट मिलते हैं जो कि हाई लेवल ऑफ सन प्रोटेक्शन आपको दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको आराम से ऐसे सनस्क्रीन मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं देंगे, यानी जेल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में, जो कि इजीली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी आपको वाइटिश नहीं करता है। पर इनके साथ एक इशू है कि मे बी हो सकता है कोई इंग्रीडियंट आपको सूट ना करे, आपको इरिटेशन दे सकता है, आपको ब्रेकआउट दे सकता है, एक्ने हो सकते हैं। तो अगर आप लाइक आपने प्रीवियसली कभी कोई सनस्क्रीन यूज़ किया है जिसकी वजह से आपको ब्रेकआउट्स या एक्ने होते हैं, तो आप ज़रूर एक बार इंग्रेडिएंट्स चेक करिए, देखिए वो कौन से इंग्रेडिएंट हैं और उनको अवॉइड करिए। नहीं तो आप प्योर एक मिनरल सनस्क्रीन या फिजिकल सनस्क्रीन उठा सकते हैं, उसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो खाली यहाँ पे ये इशू है, सबको नहीं होता पर किसी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है या फिर किसी किसी को कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स सूट नहीं होते, ऐसा केस अक्सर केमिकल सनस्क्रीन के साथ होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला सनस्क्रीन है वो है ये मामा अर्थ का, ये है विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन, इसमें है SPF 50 PA++++, ये आपको हाई प्रोटेक्शन देता है और ये हाइब्रिड सनस्क्रीन है, यानी आपको इसमें दोनों टाइप के यूवी फिल्टर्स मिलेंगे। मैंने इस सनस्क्रीन को यूज़ किया है और सीरियसली ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, मतलब आपको हाइड्रेशन भी देती है एंड जस्ट अप्लाई करने में आपको लाइक ग्लो मिलता है, आपको लाइक ड्यूई फिनिश अपने फेस पे मिलती है, और ये काफ़ी अच्छा है अगर आप ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशनल स्किन है और आप नहीं चाहते आपकी स्किन एकदम आपको ड्राइनेस दे, मतलब आप एक थोड़ा मॉइस्चराइजिंग टाइप का सनस्क्रीन चाहते हैं, देन दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर यू, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है। अगर इसके इंग्रीडियंट की बात करूँ खासकर यूवी फिल्टर की, तो सही यूवी फिल्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है या बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम सही जो कि आपको प्रॉपरली सन प्रोटेक्शन देगा और लाइक आप डेली इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रेटिंग है, आपको बहुत ज़्यादा स्किन केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, समवॉट ये आपके एक तरीके से मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन दोनों का काम करेगा। जो नेक्स्ट सनस्क्रीन वो है मिनिमलिस्ट का SPF 50 सनस्क्रीन। मिनिमलिस्ट में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सनस्क्रीन मिल जाएंगे, मेरा SPF 50 है, इसमें 60 वाला भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है।
ठीक है, इसमें है PA++++, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें है नियासिनेमाइड, विटामिन B5 एंड विटामिन F, ठीक है। ये कहते हैं ये ऑल स्किन टाइप है, जो भी यूवी फिल्टर है, जो बेस्ट चीज है कि मिनिमलिस्ट वाले खुद ही लिख देते हैं। यहाँ पे आपको टॉप में यूवी फिल्टर दिख जाएंगे कौन कौन से इसमें है, और इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। ये जो सनस्क्रीन है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने पे अच्छा खासा हाइड्रेशन मिलता है आराम से। ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशनल स्किन एंड नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है। इवन ऑयली स्किन भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऐसा ऑयली और ग्रीजी या हैवी फॉर्मूला नहीं है। इस लाइक इसको अप्लाई करने पे लगता है आप कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं, और ये वाइट कास्ट नहीं देता है। ये आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी वाइटिशनेस नहीं देगा। ये भी आपका हाइब्रिड सनस्क्रीन है और इसके यूवी फिल्टर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, सेफ फॉर स्किन है, मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ, इसको कहूँगी जब आप अप्लाई करोगे हो सकता है आपको थोड़ा सा कि स्टिकी लगे, स्टिकी मतलब जैसे कि कोई खासकर गर्मियों में आप कुछ भी फेस पे लगाते हो तो वो थोड़ा सा चिपचिप करने लगता है, तो वो चीज़ आपको मेनली आई थिंक ज़्यादातर सनस्क्रीन के साथ लगेगी, क्योंकि फेस पे कुछ भी मन नहीं करता अप्लाई करने का। तो मैं कहूँगी बेस्ट है कि जब भी आप कुछ सनस्क्रीन भी अप्लाई करिए तो उसके ऊपर आप हल्का सा कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लीजिए टू सेट इट, उससे वो चीज़ ना हल्का सा वो टैकीनेस जो होगी वो नहीं लगेगा। जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो है ये एक्वालॉजिका का। जो एक्वालॉजिका के सनस्क्रीन है वो एक तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज उनका प्राइस रेंज बहुत अफोर्डेबल है। ये बहुत ही लाइट वेट एंड हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है, इजिली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड आपको बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देते, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरीके से लाइक वन ऑफ द बेस्ट टेक्सचर वाला सनस्क्रीन मैं इन्हें कहूंगी। पर हाँ, जो इनके इंग्रेडिएंट है, जो यूवी फिल्टर है उसमें है बेंजोफिनोन 3। अगर आप बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन के बारे में जानते हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको नॉलेज है, देन आपको पता होगा बेंजोफिनोन 3 बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट नहीं माना जाता, मतलब गुड बुक्स में नहीं रहता, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं इस इंग्रेडिएंट को, बहुत से लोग नहीं करते। मतलब ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि शायद वो इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को सूट ना करे, शायद मुझे ये आराम से सूट होता है, मुझे ये सनस्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगेन किसी किसी को है कि शायद वो सूट ना करे, और सूट ना करे तो आपको इरिटेट कर सकता है, आपकी स्किन को ब्रेकआउट दे सकता है, तो ऐसा ऐसा केस है। तो ये आपके ऊपर है टोटली कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना इंग्रेडिएंट के साथ, आपको कोई सनस्क्रीन रिएक्ट नहीं करता है, देन कोई ज़रूरत नहीं है इतना ध्यान देने की। लेकिन मे बी अगर आपको करता है और आप खासकर इस इंग्रेडिएंट को अवॉइड करते हैं, देन येस इस सनस्क्रीन में वो इंग्रेडिएंट है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो येस ये मुझे आराम से सूट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसा सनस्क्रीन उठाऊँ जिसमें बेंजोफिनोन 3 ना हो, ठीक है। मैं आप वैसे भी बहुत पुराना टाइप का यूवी फिल्टर है, उतनी ज़्यादा आपको सन प्रोटेक्शन भी नहीं देता है, और गुड से ज़्यादा उसमें लाइक नॉट सो गुड चीज़ें हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरा जो सनस्क्रीन हो उसमें बेस्ट और लेटेस्ट यूवी फिल्टर हो, हाई लेवल के लेटेस्ट यूवी फिल्टर्स हों, जो कि मुझे लाइक आज के टाइम पे इतना ज़्यादा आपको सन डैमेज हो सकता है यू नो यूवी रेस से, कि आपको एकदम हाई लेवल के अच्छे यूवी फिल्टर्स यूज़ करने चाहिए अपने सनस्क्रीन में। तो मैं ऐसे सनस्क्रीन अवॉइड करती हूँ जिसमें बेंजोफिनोन 3 हो स्पेशली। तो ओवरऑल कहूँ तो ये अच्छा सनस्क्रीन है टेक्सचर वाइज, मतलब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से स्किन में अब्जॉर्ब होता है। लेकिन हाँ, अगर इंग्रेडिएंट वाइज पिकी होना है तो मैं कहूँगी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई यू नो नेगेटिव टाइप का इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या आपको रिएक्शन होते हैं, आपको सनस्क्रीन जल्दी सूट नहीं करते हैं, देन दैट केस ऑल्सो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये है फिक्सडर्मा का शेडो SPF 30+ PA++++। ये जो मेरे पास वर्जन है, मैं इसके लिए कहूँगी कि आप कोशिश करिए कि SPF 50 वाला लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे SPF 30 उतना काम का नहीं रहता। मैंने जब लिया था तो उतना ध्यान नहीं दिया और मैंने SPF 30 ले लिया, पर हमेशा SPF 50 या उसके ऊपर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यू नो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा आपको सन डैमेज हो सकता है, तो SPF 30 आज के टाइम पर उतना वर्क नहीं करता। ये लाइक वैसा ही है कि घर में लगा के घूमो। ये जो सनस्क्रीन है बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, हैवी नहीं, एकदम जेल लाइक फॉर्मूला है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक जैसे ही मैं अप्लाई करती हूँ स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और मैं कहूँगी इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, ये मतलब ये मेरा फेवरेट टेक्स्चर है, मतलब इसको अप्लाई करती है आपको एकदम ठंडा ठंडा फील होगा, आपकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड, इस लाइक कि आप कोई वाटर जेल लगा रहे हो, जैसे कि आपकी न्यूट्रीजेना का
वाटर जेल क्रीम आता है आपका क्लिनिक का आता है, एकदम वैसा फील होता है, इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग, मतलब आपकी स्किन भी अच्छा फील करती है, आपको भी वो नहीं लगता कि सनस्क्रीन अप्लाई करें, मतलब एक अच्छा टेक्सचर है जो कि अप्लाई करने का मन करता है। अगर आप ऑयली स्किन है, अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन, अगर आप ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन, तो कोई भी स्किन टाइप है, दिस इज़ द लाइक आपके लिए बेस्ट सनस्क्रीन रहेगा। अगर आपको यू नो सनस्क्रीन के टेक्सचर्स उतने पसंद नहीं आए, आप चाहते हो कि कोई ऐसा सनस्क्रीन लूँ कि उसको लगाने का मन करे, लाइक मेरा भी हमेशा सनस्क्रीन लगाने का मन नहीं करता, एक अलग सा हेडेक रहता है कि सनस्क्रीन लगाना है, ऐसे में मैं कोशिश करती हूँ कि एक ऐसा सनस्क्रीन उठाऊँ जिसका टेक्स्चर इतना अच्छा हो कि मुझे लाइक मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो जाए उसे अप्लाई करना, वैसे ही जैसे कि एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिए, इसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, एंड जो इसका टेक्सचर है लाइक मैं 10/10 कहूँगी, इतना अच्छा स्किन को फील होता है ना कि आप इसके साथ तो आप लाइक 3-4 बार लेयर अप कर लो, होता नहीं कि सनस्क्रीन ढेर सारा लो, आप आराम से इसको ढेर सारा अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इतना अच्छा इसका टेक्सचर है। जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है मैंने लेटेस्ट शेयर किया था, ये सो ट्रू का SPF 50+ डेली स्टिक लाइट वेट टेक्सचर सनस्क्रीन, और इसी वजह से कोई वाइट कास्ट नहीं देता, आप जैसे अप्लाई करोगे आपके जो भी एरिया है उनको ये मैट कर देगा, शाइन फ्री कर देगा, तो आपके फेस में बिल्कुल शाइन नहीं आएगी। अगर आप आपके फेस अक्सर शाइनी हो जाता है जल्दी, यू नो वैसा हो जाता है, तो आप इसको रख सकते हो और इसको कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो पता भी नहीं चलता, मतलब कुछ नहीं पता चलता कि इसको अप्लाई किया है, बस अगर कहीं शाइन होगी तो वो एरिया मैट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इस लाइक ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, और जो इसके साथ एक्चुअल टेस्ट है वो है कि मेनली बाहर जाके सन में टेस्ट करना कि ये इसका टेक्सचर कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ मुझे बहुत नॉर्मल फील हो रहा है, मतलब ना ही स्टिकी, ना ही हैवी, ना ही ग्रीजी, ठीक है। इस लाइक मैंने, हाँ मैंने कुछ अप्लाई किया इतना पता चल रहा है, पर ऐसा ज़्यादा मुझे फील नहीं हो रहा, वैसे भी मैं ड्राई स्किन हूँ। तो यहाँ पे अब आता है कि एक्चुअल में देखना, सन में देखना कि ये आपको कैसा टेक्सचर देता है, मतलब आप हैवी हो जाता है, ग्रीजी हो जाता है, तो वो चीज़ चेक करने वाली है। ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता, कोई वाइटिशनेस नहीं है, एंड द बेस्ट चीज़ कि हाथ नहीं यूज़ करने पड़ते, मतलब बिल्कुल भी हाथ से अपने फेस को टच नहीं करना पड़ता, बस इससे काम हो जाता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, सेफ़ हैं, ये हाइब्रिड सनस्क्रीन है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये आपको लाइक कोई प्रॉब्लम देगा। जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो है डॉट एंड की का, ये है इसका SPF 50 PA++++, इसमें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है, UVA एंड UVB ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये आपको कोई वाइट कास्ट नहीं देता, ये विटामिन सी है, और ये जो सनस्क्रीन है आपको सॉर्ट ऑफ नेचुरल फिनिश देता है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूई फिनिश नहीं कहूँगी पर नेचुरल फिनिश, मतलब बहुत हल्का सा ड्यूइनेस है पर वो दिखता नहीं है, सॉर्ट ऑफ आराम से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे ही अप्लाई करते हैं ये सीधे आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होते ही 2 मिनट बाद आपको पता भी नहीं चलेगा आपने फेस पे कुछ लगाया, मतलब कोई आपको किसी भी टाइप का टेक्सचर ये नहीं देता है। तो बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है इसका, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसे आई थिंक ऑयली स्किन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप अप्लाई करोगे तुरंत स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद आपको फेस पे कुछ नहीं फील होगा कि ग्रीजी है, स्टिकी है, या आपने कुछ अप्लाई किया, कुछ नहीं पता चलता, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इवन आप ड्राई स्किन है, आप कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसमें जो यूवी फिल्टर है उसमें बेंजोफिनोन 3 है अगेन, तो फिर आपके ऊपर आ जाता है कि आपको ये इंग्रेडिएंट वाला सनस्क्रीन चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ये इंग्रेडिएंट अपने सनस्क्रीन में प्रेफर नहीं करती, लेकिन इस सनस्क्रीन के साथ मैं टोटल कंफ्यूजन में थी, क्योंकि मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया, इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा पसंद आया, मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई स्किन में, मतलब मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसके साथ एक्चुअली मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मतलब मैं इसको यूज़ करती हूँ, इवन इसमें बेंजोफिनोन 3 है, पर इसका टेक्सचर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि लाइक मतलब मैं पक्का यूज़ करना चाहती हूँ। तो टोटली आपके ऊपर है, मतलब आप ऐसा नहीं कि इंग्रेडिएंट ये है तो मत यूज़ करिए, अगर आपकी स्किन को प्रॉब्लम होती है देन आप अवॉइड करिए, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप आराम से यूज़ करिए, ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब सब कुछ आपके स्किन पे डिपेंड करता है। अगर स्किन सही चल रही है, स्किन नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आप आराम से वो सनस्क्रीन यूज़ करिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं सनस्क्रीन में, देन चेक करिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और अगर इंग्रेडिएंट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं आपको लगता है वो आपके स्किन को रिएक्ट कर सकते हैं, देन उन्हें अवॉइड करिए, ऐसे सनस्क्रीन उठाइए जिनमें वो इंग्रेडिएंट ना हो।
सो इसमें बेंजोफिनोन 3 है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी क्योंकि ऑसम टेक्सचर है. मतलब ये ऐसा सनस्क्रीन है, अगेन ये उन कैटेगरी की सनस्क्रीन में आता है जिन्हें मैं, जिनका टेक्सचर इतना अच्छा था कि मुझे लगाने में अच्छा फील आता है. आप मुझे ढेर सारा दे दो, मैं तब भी फेस में लगा लूंगी, मुझे कोई इरिटेशन नहीं होता सनस्क्रीन अप्लाई करने में. तो या जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो है ये डर्माको. ये है इसका 1% हाइलोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल. ये है इस पे 50 PA++++, में ब्लू राइट प्रोटेक्शन है एंड दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री. ओवरऑल सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, एकदम जेल लाइक फॉर्मूला है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता, ठीक है, अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. मतलब टेक्सचर वाइज कहूँ तो अमेजिंग है, मतलब बहुत ही अच्छा टेक्सचर है अगेन इसका. लेकिन हाँ, इसके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ये जो सनस्क्रीन है आपका, ये हाइब्रिड सनस्क्रीन है एंड इसमें बेंजोफिनोन 3 है. एंड ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ, मैंने पहले भी इसके साथ शेयर किया है कि स्टार्टिंग में जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे हल्का सा सेंसेशन फील हुआ है सनस्क्रीन के साथ. मेरी जो स्किन टाइप है वो थोड़ा सेंसिटिव भी है, मुझे कभी कभी कोई चीज़ रिएक्ट करती, कभी कभी नहीं रिएक्ट करती, तो कोई रूल नहीं होता क्या वर्क करेगा आपके ऊपर. तो या पर हाँ, इसके साथ मुझे हल्का सा सेंसेशन फील हुआ था. और मैंने ये सनस्क्रीन दूसरों को भी दी ट्राई करने को अपने घर में, जिनकी स्किन मुझसे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड समवॉट उन्हें सूट नहीं किया, उनको बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, ठीक है. तो मुझे सेंसेशन हुआ, बर्निंग सेंसेशन नहीं हुआ, लेकिन दूसरों को बर्निंग सेंसेशन हुआ. तो इट्स कि ये किसी किसी को सूट किया मेरे यहाँ और किसी किसी को नहीं किया. मैंने फिर अगेन इसको एक दो बार ट्राई किया तो एक हल्का सा सेंसेशन रहता है, मुझे समझ नहीं आता कैसा सेंसेशन है, कूलिंग सेंसेशन है क्या है, कि मल्ली कि मुझे फील आता है कि कुछ अप्लाई किया मैंने. वैसे ओवरऑल मुझे टेक्सचर पसंद है इसका, लेकिन मैं स्टिल इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, खासकर अपने स्किन पे, मेरे स्किन पे जैसा इसने वर्क किया है. मैं कैसे समझाऊँ, मतलब कुछ बुरा नहीं है लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, तो इसके साथ मेरा मिक्स्ड है ओपिनियन. तो ये आपके ऊपर है. वैसे ओवरऑल कहूँ तो टेक्सचर अमेजिंग है, अमेजिंग टेक्सचर है इसका. टेक्सचर वैसा ही है जैसे कि फिक्स डर्मा का जब मैं अप्लाई करती हूँ मुझे अच्छा फील होता है, वैसा ही इसके साथ है. ये जो सनस्क्रीन है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट यूज है, नंबर वन सनस्क्रीन है. मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शेट के सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन. मैंने कई बार आपको बताया है और फाइनली बता रही हूँ, अगर इन सारे सनस्क्रीन में बात करूँ आप पूछोगे कौन सा मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, आप इसकी हालत देख के बता सकते हो. दिस इज सो मच मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग, बिल्कुल हैवी और ग्रीजी नहीं है. मतलब इसका टेक्स्चर इतना ज़्यादा ही, इतने अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, कि मतलब मैं इसको अप्लाई करना पसंद करती हूँ. और अप्लाई करने के बाद स्किन में एक ड्यूइनेस दे देता है, स्किन एकदम हाइड्रेटेड हेल्दी ग्लोई लगती है. मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है इसका टेक्सचर. मैं जब भी इसको अप्लाई करती हूँ तो ऑलमोस्ट अपने मॉइस्चराइजर को डिच कर देती हूँ. मतलब आपको स्किन केयर उतने करने की ज़रूरत नहीं, या आपका मॉइस्चराइजर कम सनस्क्रीन दोनों का काम करता है. आप आप बस अपना मुंह धोइए और आप चाहे तो डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फेस को इतने अच्छे से हाइड्रेट भी कर देगा, ठीक है, और बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता, जीरो वाइट कास्ट है इसके साथ. एकदम परफेक्ट सनस्क्रीन है, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन. अगर आप ड्राई स्किन है दिस इज योर सनस्क्रीन, आप इसको पक्का यूज़ करिए. आप अगर ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, इवन कॉम्बिनेशन स्किन है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं. ये अगेन एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है और इसकी जो यूवी फिल्टर्स हैं अच्छे हैं, सेफ हैं, ठीक है, आपकी स्किन को कोई इशू नहीं होगा. मैं इसको आराम से अप्लाई करती हूँ, मेरा फेस जो है बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहता है, नरिश रहता है, चिपचिप या हैवी ग्रीजी नहीं रहता, वैसा ऑयलीनेस फील नहीं होता, जो भी क्रीम है अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, और मुझे आराम से सन प्रोटेक्शन भी मिलता है. मतलब मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कि मैंने कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, तो इसका टेक्सचर वैसा ही है. तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन है. दिस इज अ रियली गुड सनस्क्रीन. ओके, जो नेक्स्ट सनस्क्रीन, उसका बजट थोड़ा हाई है 500 से, लेकिन वर्थ द मनी है, एंड आई थिंक आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं. मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रॉयल के यूवी डिफेंडर, यूवी सेरम प्रोटेक्टर सनस्क्रीन का. यह है मॉइस्ट एंड फ्रेश वर्जन. इसमें SPF 50+, PA++++, ये नो रेजिड्यू, नो शाइन, नॉन स्टिकी है. इसमें जो पहला वाला जो सनस्क्रीन आता था एक्वा फ्रेश करके कुछ जेल टाइप का, ठीक है, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है. वो मेरे पास अभी भी है, लेकिन अब वो आता नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दिया, आई डोंट नो. वो स्टिल वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन है.
ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन अब वो मिलता नहीं तो मैं उसको यहाँ पे दिखा नहीं सकती हूँ। उसकी जगह ये आया है इसके साथ ये, और उसमें जो डिफरेंस है कि वो सुपर लाइट वेट है, लाइक जेल लाइक फॉर्मूला है। ये जो अप्लाई करती हूँ तो हल्का सा मुझे हैवीनेस फील होता है, मतलब कंपेयर टू प्रीवियस मंथ ये हल्का सा हैवी फील होता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं देता। और जो इस सनस्क्रीन के साथ बेस्ट चीज़ है, और खासकर मैं कहूँगी जो रॉयल के जितने भी सनस्क्रीन आते हैं, अगर आपको बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन चाहिए कि बेस्ट इंग्रेडिएंट हो, तो मैं कहूँगी आप आराम से आंख बंद करके रॉयल के सनस्क्रीन बाय करिए, क्योंकि उनमें बेस्ट यूवी फिल्टर आते हैं, बेस्ट यूवी फिल्टर। इसलिए मुझे समवॉट प्रोटेक्शन की बात आती है, अच्छे इंग्रेडिएंट की बात आती है, तो ऑब्वियसली रॉयल एक बेस्ट चॉइस रहेगा। आप कोई भी सनस्क्रीन उठा सकते हैं, पर हाँ ये आराम से स्मूथ है, क्रीम जैसा है आपका, ये आपका क्रीम जैसा है, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे आप अप्लाई करेंगे कोई वाइट कास्ट नहीं देगा। जो लास्ट सनस्क्रीन है वो है ये डर्मा टच का, ये इसका मैट टच SPF 50 PA++++। ये आपका स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, फ्रेग्रेंस फ्री है, UVA एंड UVB प्रोटेक्शन है। ये लाइक टोटल मैट सनस्क्रीन है। वैसे कहूँ तो इसका और प्रीवियस वाले का टेक्सचर थोड़ा आसपास है, ठीक है, लेकिन अगर टेक्सचर की बात करूँ तो मुझे इसका ज़्यादा बेटर लगा। तो आप इसको ये आराम से अप्लाई कर सकते हैं, क्रीम की तरह है। ठीक है, ये टोटल आपको मैट देता है, मैट, और मैट जैसे अब्सॉर्ब होता है स्किन में, एकदम स्किन स्मूथ हो जाती है, एकदम स्मूथ वेलवेटी फिनिश आपको देता है। तो अगेन ये काफ़ी अच्छा है अगर आप मेकअप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, बिफोर मेकअप, वो नॉर्मली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके स्किन को स्मूथ आउट कर देगा, जो भी टेक्स्चर है स्किन का वो लाइक नॉर्मल कर देगा। और जो बेस्ट चीज़ है सनस्क्रीन के साथ कि इसमें बेस्ट यूवी फिल्टर्स हैं, उतने ही अच्छे जितने कि रॉयल में मिल रहे हैं, तो आप आराम से इसको ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी सही है ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि आपको एकदम मैट फिनिश देगा, मैट शाइन फ्री फिनिश देगा, स्मूथ आउट कर देगा, फ्रेगनेंस फ्री है। इवन अगर आप ड्राई स्किन है आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन केयर के ऊपर, क्योंकि सॉर्ट ऑफ आपके वो मैट एंड स्मूथ फिनिश देगा ये। तो मुझे काफ़ी पसंद आया, बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं देता, इसे कोई भी स्किन टाइप यूज़ कर सकता है। सो यस, तो ये थे सनस्क्रीन। अगर मैं यहाँ फाइनली सम अप करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ सनस्क्रीन विच हैव बेस्ट इंग्रेडिएंट जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ये हैं। एंड नेक्स्ट, वो सनस्क्रीन जिनका बेस्ट टेक्सचर है, यानी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, हाइड्रेटिंग है, आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। समवॉट वो मेरे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं बिकॉज ऑफ टेक्सचर, तो वो सनस्क्रीन ये है। तो ऑनेस्टली कहूँ तो ये सभी सनस्क्रीन काफ़ी अच्छे हैं, किसी का टेक्सचर बहुत अच्छा है, किसी में इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस बेसिस पे कौन सनस्क्रीन चाहते हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा आपकी स्किन के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी पुराने सनस्क्रीन के वीडियोज़ हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो ज़रूर चेक करिएगा। बाय।